ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। आर स्टैंड फॉर रिश्वतखोरी, जे स्टैंड फॉर जंगल राज और डी स्टैंड फॉर दलदल। आज ये आकर के खड़ा हो। लालू प्रसाद यादव जमानत पर है कि नहीं है? तेजस्वी तेज प्रताप जमानत पर है कि नहीं है? आधे जेल में और आधे बेल पर। जी हाँ, ये जो कथन है ये है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा अररिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा की और उसी दौरान वो लालू परिवार पर जमकर तीखा हमला करते नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने राजद का मतलब भी बता दिया। राजद का मतलब बताते हुए जेपी नड्डा कहते हैं कि राजद भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, यहाँ पर जो भी रहता है वो भ्रष्टाचार करता है और यहाँ पर तो आधे लोग जेल में बंद हैं और यहाँ के आधे लोग बेल पर बाहर आए हैं। और इससे साफ मतलब लालू प्रसाद यादव से था। इतना ही नहीं बल्कि आपको बताते चले कि जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अररिया पहुंचे तो वहां पर उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि अगर ये सरकार में आती है तो फिर देश तहस नहस हो जाएगा, यहाँ पर विकास नहीं होगा। इसके साथ साथ इंडी गठबंधन को राम विरोधी भी बताया गया। जेपी नड्डा कहते हैं कि एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाया जिसे पूरी दुनिया आज देखने आ रही है, और जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस दौरान भी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात हो रही थी, राम मंदिर की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो राम विरोधी है। बाकी सुनिए जेपी नड्डा क्या कुछ अररिया में कहते सुनाई दिए। जिस लालू प्रसाद यादव ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज वही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर उन कांग्रेसियों के साथ हाथ मिलाकर के खड़े हो गए जिनके खिलाफ आपने इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी थी। क्या आपका समय आ गया? क्या स्थिति आ गई? ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। आर स्टैंड फॉर रिश्वतखोरी, जे स्टैंड फॉर जंगल राज और डी स्टैंड फॉर दलदल। आज ये आकर के खड़ा हो गया। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, ये किस चीज का गठबंधन है? ये घमंडिया गठबंधन? ये कौन सा घमंडिया गठबंधन है? अब आप बताइए, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोला, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? गरीब लोगों की नौकरी के नाम पर जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? आप एक बात बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जमानत पर है कि नहीं है? राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जमानत पर है कि नहीं है? तेजस्वी तेज प्रताप जमानत पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये ममता के मंत्री जमानत पर है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री जमानत पर है कि नहीं है? और सब लोग परिवारवाद, ये परिवारवाद की पार्टियां। मैं आपके सामने दुनिया देश की तस्वीर खींचना चाहता हूं। बोलो, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बोलो, जम्मू कश्मीर में है कि नहीं है? महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे,
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।